अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो जी, ये हो चुका है वार्डरोब क्लीन। इसको ना मैंने पूरी रात ऐसे ही दरवाज़ा खोल के रखा था, हवा दे दी थी, और ये लाया है मैंने इत्र की बॉल्स। ये मैं रखूँगी, ये ना मैं वहाँ कॉर्नर्स पे लगा दूँगी एक एक। इससे अच्छी ना स्मेल हो रहेगी पूरे बिस्तर में भी और वार्डरोब में भी। तो उससे पहले क्या करना है मुझे, उससे पहले ना मुझे जाना है दूसरे वाले रूम में, बड़े वाले रूम में। वहाँ पे मैंने रखा था वो सारा बिस्तर, उसको हम कवर्स लगाएंगे। और ये है ये पूरा बिस्तर, मतलब जब मैंने ना इसको अंदर लाया इतना गर्म था, पूरा धूप इसने हाँ एग्जैक्टली। तो अब इसमें कवर्स लगेंगे, कुछ कवर ना कटे हुए हैं, उनको मैं सी लूँगी वापस से। इब्राहिम आप ना अंदर से लाओ सुई धागा, करेंगे पहले ये वाला काम जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नहीं होगा ये, लेकिन मेरी आदत है बोलने की जल्दी जल्दी। तो फिर ना मैं सारा बिस्तर, शीट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह एक ही वॉटर अच्छे से। ये वाला लगेगा इसमें कि अच्छी धूप वाले से मैं ला रही है अभी मैं। ब्लैंकेट वो गिर गई थी। तो जी ये बॉल्स में रखूंगी पहले एक यहाँ कोने पे, एक ये कोने पे और ये एक कोने पे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर डालूंगी मैं ये शीट। ये हो गया, अब हम इसमें डालेंगे हम बिस्तर। इब्राहिम आप पिलोज लाओ। ठीक है, तो जी हो गया है मेरा आज ना ये वाला काम कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी घर का काम होने के बाद हम ना थोड़ा बाहर आए, क्योंकि आज था इब्राहिम का बर्थडे। गेस ये बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने ना थोड़ा सा इब्राहिम को आउटिंग कराई बाहर, बोला कुछ चॉकलेट वगैरह देंगे। तो अब हम आए हैं बाहर। तो जी क्या बारिश में निकाल रहे हैं मक्की। यहाँ पे तो ड्रे मक्की अपने किचन गार्डन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है। बाबा भाई, तो जी किचन गार्डन से होके आए हैं हम। वैसे मैं नहीं गई, हस्बैंड से मैंने मंगवाई है मक्की, तो वो ना हमें किसी को देने थे तो इसलिए लाए इतनी सुबह सुबह। तो अब हम चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद साथ साथ में डिनर की भी तैयारी करके रखूँगी। तो मुझे जाना है लाल चौक, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, एज़ हमें शादी पे जाना है इंशाल्लाह, सितंबर में जाना है हमें। तो शॉपिंग व्लॉग ना मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो लेकिन उससे पहले ना मुझे आपको अपने इयररिंग्स दिखाने हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपने फिर इयररिंग्स नहीं दिखाए, आपने कैसे लाए, मैंने कानों से वापस निकाले हैं। तो ये देखिए ये वाले इयररिंग मैंने लाए थे, ये है छोटा ही है। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे। कोई इशरत जी है वो ज़्यादा मुझे कमेंट कर रही थी कि आपने इयररिंग्स नहीं दिखाए, तो देखिए इशरत जी बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगे। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।